thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हमारा पहला मेरा और रीमा का पहला लॉन्ग फॉर्मेट शो है, ये टाइगर बेबी का पहला लॉन्ग फॉर्मेट शो है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड. देखते हैं क्या लगता है आपको. वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड रहती है, क्योंकि देखें जितनी भी वेब सीरीज आ रही है बहुत ही धमाका कर रही है जी, आपकी गली बात चली रही है. थैंक यू. मुझे वेब सीरीज़ एक्साइटिंग लगती है क्योंकि पहले मैं तो बहुत वेब सीरीज़ देखती हूँ ए बी, और आपको फिल्मों में तो दो घंटे मिलते हैं आपको फिल्मों में एक कैरेक्टर डेवलप करने के या आर्क डेवलप करने, या 8 घंटे हैं स्टोरी लिखने. और मैं एनी वे आई टेंड टू ओवर राइट, तो मेरे लिए बहुत अच्छा फॉर्मेट है क्योंकि बहुत टाइम मिलता है स्टोरी को पूरा ओपन करने, निकालने, रिजॉल्व करने. तो देखते हैं आपको कैसा अच्छा लगता है. एज एन इंडियन मैडम एंड एज एन डायरेक्टर कितना प्राउड फील होता है कि जब सुबह सुबह ही खबर आती है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा मेरे नेवर विल स्टिक टू प्लीज मेरे नेवर. थैंक यू मैम. अरे यार
ट्रेलर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शो देखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले इट्स द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जोया अख्तर एंड रीमा कटगी, एंड वैसे ही आज कल पूरी इंडिया की पब्लिक गली बॉय पर पूरी तरह से फिदा हैं. सो एवरी वन इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू सी व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ एक्सेल. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त इनफैक्ट सहेली डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव ने शो लिखा है और उसके कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट भी किए हैं. सो आई थिंक थोड़ा और स्पेशल है. एंड ऑफकोर्स को एक्टर ऑफ माइन फ्रॉम अ पास्ट फिल्म अर्जुन माथुर इज़ इन द लीडिंग पार्ट. सो मैनी रीजन्स टू बी एक्साइटेड अबाउट मेड इन हेवन. एंड इंडिया में शादियाँ सबको ही पसंद हैं एंड हु डजंट वांट टू सी वन दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सेल. प्रेजेंट टाइम में ढेर सारी वेब सीरीज आ रही है, तो वेब सीरीज से कितना एंजॉय करते हैं? वेल ऑनेस्टली आई थिंक वेब सीरीज़ आर द न्यू टेलीविजन एंड द गुड थिंग इज़ कि आप उसे अपने सहूलियत से देख सकते हैं. देर इज़ नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, यू कैन वॉच इट एज पर योर कन्वीनियंस. सो आई एम गेसिंग इट इज़ द न्यू टेलीविजन. आखिरी सवाल, एज एन इंडियन कितना प्रिविलेज फील होता है आपके लिए जब आज ही अर्ली मॉर्निंग में ये खबर आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा पर शहीदों की जो शहादत उसका बदला लिया है? वेल आई विल जस्ट से अ बिग सैल्यूट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. ये हट जा, अभी तो आगे जा रहा है. सब पोजीशन पे आते ना वो साइड. नहीं नहीं, अभी लोग सामने आते हैं. थैंक यू भाई, बहुत खुश है, मज़ा आ रहा है लाइफ में. ज़िंदगी चेंज हो गई, पहली फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म उसका हिस्सा बन के, मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं मेरे पास, बहुत खुश हूँ मैं. जी जी, मुझे ट्रेलर काफ़ी एक्साइटिंग लगा था, काफ़ी इंट्रीगिंग था. और सेम जोया है, जोया का जादू चलेगा इसमें, एक्सेल है, टाइगर बेबी है, एक्टर्स जो कास्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. मुझे मैं उनमें से सबका फ़ैन हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट्स इन स्टोर. जी जी, जी इमोशनल हो जाऊँगा मैं मुझे ऐसी चीज़ें.
हमें तो बहुत मज़ा आया इस पर काम करके. ख़ासकर जो मेरा एपिसोड था वो पुरानी दिल्ली में हम लोग शूटिंग किए इन अ वेरी ओल्ड रुइन ऑफ अ हवेली. आई मीन इट हैड सच अमेजिंग कैरेक्टर. तो उसको सब उन्होंने डेकअप करके वेन्यू फॉर द वेडिंग जो भी होता है. मेड इन हेवन इज़ अबाउट कपल्स गेटिंग मैरिड इन डिफरेंट काइंड ऑफ कपल्स वॉन्टिंग टू गेट मैरिड. तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है. इट्स वेरी वेरी ब्राइट वेरी काइंड ऑफ पॉजिटिव. आई थिंक इट्स अमेजिंग. इट्स वंडरफुल. इट्स रियली इट्स इट हैज़ ओपनड अप सो मेनी एवेन्यूज और इतने सारे सब्जेक्ट्स जो हमको लगता है कि शायद हम ये रेगुलर फीचर फिल्म के लिए सही नहीं है. बट देर इज सो मच देर सच अ वास्ट ऑडियंस व्यूअरशिप ऑन द नेट दैट यू कैन नाउ मेक एनी सब्जेक्ट एंड डू इट एज अ वेब सीरीज और डू इट एज अ शॉर्ट फिल्म. बहुत सा वेन्यूज खुल गए. Is this about? No, not just now. No. We'll stick to it. मेड इन हेवन आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सीरीज क्योंकि हम शादियों हमेशा एक एक साइड से देखते हैं लेकिन इस बार हमें देखेगा कि पीछे क्या होता है व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स. सो एंड द कास्ट इज फैबुलस द डायरेक्टर्स आर फैबुलस. And I'm in one episode, so I'm very excited. आपकी शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी बहुत बढ़िया है. मेरे हस्बैंड जो है वो तो लिटरली हमारा तो मेड इन हेवन ही था. बट या नहीं आई एम तो वेरी एक्साइटेड. हमारी शादी बहुत रिसेंटली हुई है और एक बहुत अलग नज़रिया से शादी देखने को मिलेगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड. मैडम आप बताइए कि वेब सीरीज हमने आपकी पिछली वेब सीरीज देखी लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट की गई. मैड इन हेवन से क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है एक्चुअली. ज़ोया अख्तर जिस भी चीज़ को छू ले वो तो गोल्ड ही निकलती है. तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी ये क्या है क्योंकि ट्रेलर बहुत ही अलग लग रहा है. जैसे श्वेता ने कहा था कि शादियों को लेकर कितना कंटेंट बनता है बट ऐसा कभी नहीं बनता ये मिथ ब्रेकिंग वाला. तो काफ़ी एक्साइटिंग सीन. श्वेता जी आप बताइए कोई और अपकमिंग वेब सीरीज हम आपको देखने वाले हैं? हाँ जी अमेजोन की ही है लाखों में एक. तो वो अप्रैल में आने वाला है एंड इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. बहुत आप थक जाओगे इतना रैप निकलने वाला है. और हम तो गली बॉय का इंतजार कर रहे थे अब निकल गए तो हम बहुत गाने निकालने वाले हैं. रेडी हो जाओ बस. मतलब इंडिया पाकिस्तान वो सब तो चलते रहेगा. मेरे ख्याल से ये सब होना ही नहीं चाहिए. वी नॉट फॉर वॉर. इट्स रादर it's not required but of course it's something that our nation has done against terrorism and terrorism shouldn't stand true for anyone and shouldn't exist at all. So any yeah, jo bhi country ho koi bhi country Pakistan India kahin bhi terrorists are not welcome and if they're being attacked it's always a good thing. जी हमें हम सिर्फ अभी हमारी स्क्रीनिंग चालू हो चुकी है तो हम भागते हैं प्लीज़ उसके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.